भोपाल में आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग पे जो बवाल हुआ था उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है उस वेब सीरीज के नाम को लेकर। कार्रवाई क्या हुई है, किस चीज को आपत्ति है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, किस तरीके से लेते हैं जो आपत्ति तो नाम पर ही है। आप जिस तरह की आपकी स्टोरी है तो उसमें आश्रम नाम क्यों रखा आपने, कोई और नाम दूसरे धर्म का रख के दिखाते। ये जानबूझ के सॉफ्ट टारगेट हिंदू धर्म को मान लेते हैं और हिंदू धर्म के ऊपर ही लगातार प्रहार कर रहे हैं। आज वो करवा चौथ के ऊपर लेसबिन का आ गया, सूटेबल बॉय पहले आ गई थी, महानकाल पे गाना गाते आ गई थी, ये क्या तरीका है। और इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। एक सरकार गाइडलाइन भी जारी करने जा रही है इस तरह की। हाँ, हमने विचार किया है कि इस तरह के फिल्म का आकर आए स्वागत है, शूटिंग करें स्वागत है, कोई जरूरत है सुरक्षा की बताएं स्वागत है, लेकिन आप किसी भी धर्म की भावना को आहत करने वाला कोई दृश्य है तो पहले आप जिलाधिकारी से अनुमति लो, उसके बाद करो। अभी जो सीरीज की शूटिंग चल रही है भोपाल में आश्रम नाम से, इस पर क्या होगा? जो इसके बारे में बातचीत कर रही है हमारे DIG, उनसे आज बात करने वाले हैं। नाम बदलना चाहिए आप मानते हैं? निश्चित रूप से अगर इस तरह के दृश्य है तो नाम बदलना ही चाहिए। उसमें एक्शन क्या हुआ अब तक सरकार की तरफ से? जो कल हुड़दंग मचा था, गिरफ्तार उसमें हो गए हैं, पर मैं मानता हूं कि दोनों तरफ की गलती है और दोनों पक्षों पर कार्रवाई का विचार करें। एक आखिरी सवाल सर, मध्यप्रदेश की छवि पे नहीं सर आपको लगता है कि असर पड़ेगा? फिल्मकार अगर यहाँ शूटिंग के लिए आ रहे हैं, आएगा, शूटिंग को मना कौन कर रहा है? स्वागत हम करें, सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आपत्तिजनक वो नहीं होना चाहिए दृश्य, आपत्तिजनक शब्द नहीं होना चाहिए, आपत्तिजनक फिल्मांकन भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के धर्म की भावना आहत होती है तो कार्रवाई तो होगी। बहुत बहुत मुझसे बात करने के लिए। ये थे मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने आश्रम वेब सीरीज की जो शूटिंग चल रही है भोपाल में जो बवाल हुआ है और उस पर जो विवाद अब चल रहा है उस पर आज तक से खास बातचीत की। रमेश पाल सिंह, भोपाल।